जैसा कि आज के न्यूज़पेपर्स में भी कई जगह आया, मेरठ में, कानपुर में, बुलंदशहर में, कई जगहों पे ऐसी ईवीएम्स पाई गई जहां पर कोई भी बटन अगर ईवीएम पे दबाया जा रहा था तो लाइट बीजेपी के कैंडिडेट के सामने जल रही थी। ऐसी खबरें पहले भी आई हैं, परंतु कल अगर हम देखें तो एक जो इंटरेस्टिंग घटना घटी कि एक वोटर ने जब ये देखा कि बीजेपी के बीएसपी का बटन दबाने के बावजूद बीजेपी के कैंडिडेट के सामने लाइट जल रही है, तो उसने वो बटन छोड़ा ही नहीं। वो 15 मिनट तक वहां पे खड़ा रहा, सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को बुलाया, मीडिया को बुलाया। आप में से जिसने वो वीडियो अभी नहीं देखा है वो वीडियो हम प्ले करेंगे। इसमें स्पष्ट तौर से दिख रहा है कि उसकी उंगली एक बटन पे है और जहां पे कमल का चिन्ह लगा हुआ है उसके सामने की लाइट जल रही है। लाइट्स ऑफ कर दीजिए। ये जो ईवीएम टैम्परिंग का मुद्दा है आम आदमी पार्टी कंसिस्टेंटली पिछले कई महीनों से मार्च 2017 से उठाती रही है और हर बार अगर आप देखिए जो एक चीज निकल के आ रही है जहां से भी इंस्टेंसेस आ रहे हैं, चाहे वो लाइट जलने का हो या वीवीपैट में गलत प्रिंटआउट आने का हो, हर जगह में एक कॉमन थ्रेड है और कॉमन थ्रेड ये है कि आप बटन किसी भी पार्टी के लिए दबाओ वोट जाता है कमल पर और बीजेपी पर। और ये कंसिस्टेंटली होता आया है। पहली घटना हमने अप्रैल 2017 में देखी थी धौलपुर के चुनाव में, जहां पे 18 ऐसी मशीनें पाई गई थी जहां पर कोई भी बटन दबाने पे लाइट कमल के सामने दब रही थी। 18 ये जो मशीनें थी ये धौलपुर के बाईपोल में थी और 18 मशीनें उनका तकरीबन 10% सैंपल था क्योंकि वहां पे 180 पोलिंग बूथ थे, तो ये 10% सैंपल में ऐसा पाया गया। उसी के कुछ दिन बाद भिंड में जो बाईपोल हुआ था वहां पर भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग पाई गई, वहां पे वीवीपैट की मशीन थी कि जहां पर भी आप बटन दबाते हैं जो प्रिंटआउट निकल रहा था वीवीपैट की मशीन में वो कमल का निकल रहा था। तीसरी घटना उत्तराखंड में हुई मई 2017 में, जहां पे ईवीएम में गड़बड़ी के कारण 7 मशीनों को उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जब्त कर लिया गया था। जुलाई 2017 में अनिल गगाली करके एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब सुल्तानपुर के चुनाव को लेकर आरटीआई डाली तो पता चला कि डिस्पाइट कंप्लेंट्स ऑफ ईवीएम मैलफंक्शनिंग, वहां पे कई लोगों ने शिकायत करी थी
कि हमने जहां पर भी बटन दबाया लाइट बीजेपी के कैंडिडेट के सामने जली थी, आरओ ने उसके बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिया। ये जुलाई 2017 में एक आरटीआई के कंप्लेंट के रिस्पांस में मिला है। और अब ये तीसरी घटना जो कल हुई है, जहां पे मेरठ में, कानपुर में, कई और स्थानों में यूपी में जहां पे अभी म्युनिसिपल इलेक्शंस चल रहे हैं, आप लोगों को पता भी होगा, हमने मांग भी करी थी आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट ने कि यूपी के जो सारे अभी अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं वो बैलेट पेपर पे होने चाहिए। कई बार हमारी पार्टी रिप्रेजेंटेशंस लेके गई थी स्टेट इलेक्शन कमीशन पे कि हमें ईवीएम्स की ऑथेंटिसिटी पे डाउट है, हमें लगता है टैम्परिंग हो सकती है। और अब आप देखिए तो जो हमने वीडियो देखा है बहुत स्पष्ट तौर से दिख रहा है कि हाथी के चुनाव चिन्ह के पे बटन दबाया गया, लेकिन लाइट जल रही थी कमल के चिन्ह के सामने। और ये एक जगह नहीं हुआ है, ये कई शहरों में ऐसा हुआ है। 75 ऐसी मशीनें पाई गई हैं जिसमें यही मैलफंक्शन है। तो आज हमारा सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि जहां पर भी ईवीएम मैलफंक्शनिंग की खबर आती है वहां पर लाइट या चाहे वहां पे प्रिंट आउट हो वीवीपैट का, वो कमल पर ही वोट कैसे दिखा रहा है। कभी ऐसा भी टेक्निकल ग्लिच हो जाए कि झाड़ू पे वोट आ जाए, कभी ऐसा भी टेक्निकल ग्लिच हो जाए किसी और पार्टी पे वोट चला जाए, पर ये कंसिस्टेंटली दिख रहा है। हमारी आज के दिन ये मांग है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि हम कई बार सेंट्रल इलेक्शन के कमीशन के पास गए हैं और उसकी डिटेल्स अभी पंकज जी शेयर भी करेंगे। इस इशू को लेके हम कई बार ही सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं, परंतु हर बार इसकी एक आइसोलेटेड इंसिडेंट की तरह जांच होती है और उस आइसोलेटेड इंसिडेंट के बाद लोकल ऑफिसर्स कह देते हैं कि नहीं जी सब ठीक ठाक था, गड़बड़ी निकली और हमने मशीन रिप्लेस कर दी। लेकिन अब हम डिमांड कर रहे हैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी पूरे ईवीएम टैम्परिंग के मामले में। जो अभी तक सारी रिपोर्ट्स आई हैं उनको एक साथ देखा जाए और लोकल ऑफिसर्स द्वारा नहीं, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन द्वारा खुद देखा जाए। क्योंकि अगर ईवीएम की टैम्परिंग हो रही है और ये बात अब पूरी जनता में फैल रही है तो पूरा डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का बेसिस ही खत्म हो जाता है।